लोगों को काम करने नहीं दे रहे। देखो सर, मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं मेरे को पता है, आपको नहीं पता है, नहीं बोलता है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो। इसी तरह बातें बहुत कुछ रख देता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे संजय पटियाला भाई साहब ने पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा? और नहीं तो नीचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहे हैं राकेश मिश्रा, गाना हिट कराने के लिए रो रही है फलानी। भाई साहब, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ 1 लाख आदमी के सामने ऐसे ही आकर रोने लगेगा। जब इमोशन टूटता है ना, उससे जाके पूछो कि टूटता कितना है। और कोई मेहनत करता है और इसकी चीजों को जब आप बर्बाद करते हो ना, तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है। मैं ही टूट गया था, मैंने रो दिया था लाइफ में, क्या करूं। तो राकेश जी कोई आईडिया आप ही बता दीजिए इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए। कोई आईडिया आप दे दीजिए कि जो इंडस्ट्री उस पे चले। मेरे तरफ से सर कोई आईडिया नहीं है, इसमें तो आईडिया की जरूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खत्म। किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा, ऊपर वाला तय करेगा, आप क्यों तय करेंगे? आप इंसान है, भगवान है, आप क्यों तय करने पर लगे हुए हैं कि यही चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, इनको बड़ा बनाया जाएगा, इनको छोटा बनाया जाएगा, ये कौन सी बात है। भोजपुरी में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, अक्सर टकराव देखा गया है, आज फिर ये टकराव सामने आया हुआ है, क्या कहेंगे ऐसा, क्यों होता है ऐसा? देखो सर, अब आप जिसको टकराव बोल रहे हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी दिन आपके लाइफ में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबह सुबह हटा दिया, तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि कहां टकराव आपके मन में आ रहा है। भाई रोजी रोटी बर्बाद करना कौन सा टकराव का बात है, किसी के मेहनत को खराब करना कौन सा टकराव का बात है, ये टकराव थोड़े है, ये गोतियागिरी थोड़े है, भाई गेहूं में तेलहन थोड़े कटाता है, खेत बधार के थोड़े नौकरी है। मीडियम बनिए कल भोरे माइक वाइक छिना जाओ, तरह मन में दुख होगी सुख होगी, वहां सब रो अब रो अब। भाई धंधा किसी का हो, ये गरीब आदमी का ठेला भी चल रहा हो, उसको आप मार के हटा देंगे तो उसको दुख होगा। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है, ये टकराव नहीं है। ये हो सकता है कि अब इस चीज को बढ़ा दिया जाए कि टकराव, ये जेन्युइन बात है कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी, जैसे इन्होंने पूछा वो रो दी, राकेश जी आप रो दिए, अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, मेरा ऐसे हो गया, भैया समझने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हक है ना, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो हक तो सबको है, पैसा तो उनको देना है ना। मान लीजिए हम 20 दिन से दौड़ रहे हैं और मैं नहीं बाल हुआ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? बट मैं एक ही जगह, राकेश मिश्रा तो आज लोगों के पास सामने चले गए, लोग पहचानते हैं, उनकी बातें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे और ऐसे कलाकार है जो कम पॉपुलैरिटी है, उनकी लोग कम जानते हैं, उनकी भी यही समस्या है जो आपकी समस्या है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहिए। सर आपको दिल से धन्यवाद, सैफ अली की आई है उस तांडव को, आपको दिल से धन्यवाद, आपने बहुत देर बाद जिस बात को मैं 1 घंटे से बकबक करके रियल दिल में पहुंचाना चाहता था उसको आपने 1 घंटे बाद समझा। मैं यही बात पे सिर्फ अड़ा हूँ कि चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, मीडियम हो, कोई हो, है तो वो कलाकार ही ना, तो उसको हमारा कहां अधिकार है तकलीफ देने का, क्यों हम देंगे? हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों? हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? हमारा काम सिर्फ सिर्फ है, अभी मेरा काम क्या है आप बताइए, मेरा काम क्या है? मैं तो सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरा काम यह है कि जब ये इंटरव्यू आपका हर जगह चढ़ेगा तो सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे राकेश मिश्रा ढोंग कर रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अपना आपके बुद्धिजीवी पूछता है, कुछ लोग कहेंगे खूब गाड़ी दोस्तों, तमाम चीज जानने के बाद ही मैं सच्चाई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे बोलने से या मेरे कहने से किसी भी कलाकार को, किसी भी लोगों को या किसी भी तरह की चीजों में, सिर्फ यही तो सर समझना है कि हमें अपने वर्क से मतलब है। चलिए हमको अभी करना क्या है, हमको 2 लाइन गाना है इस गाने का और फिर यहाँ समाप्त करते हैं। आपको 2 लाइन सुनना है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिम्मेदारी संजय भैया ने मुझे दिया है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में राजा जाइना बहरिया 2 आएगा और एक धमाकेदार तैयारी से आएगा, और मैं एक गाने के लिए और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सबको, राजा जवान हम लईगा जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी से आया है और बहुत ही आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो बहरिया का 2 लाइन आप लोग के लिए।